नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। अब बात करते हैं बिहार के लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की सीट पर क्या अजय निषाद एक बार फिर से परचम फहरा पाएंगे? तो जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उस पर जनता ने अजय निषाद पर भरोसा कायम रखा है। अजय निषाद बीजेपी के कैंडिडेट एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। यह सीट महागठबंधन की तरफ से वीआईपी पार्टी के खाते में गई थी। वीआईपी पार्टी ने यहाँ राजभूषण को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो यहाँ पर चुनाव हार गए हैं और हार का अंतर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी अंतर से वो चुनाव हारे हैं। विकासशील इंसान पार्टी की, वीआईपी पार्टी की तीनों सीट पर उनके कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं। खगड़िया में उनके सुप्रीमो मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए हैं, वहीं मुजफ्फरपुर में वो चुनाव हार गए हैं। साथ ही मधुबनी में भी वो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। तो विकासशील इंसान पार्टी की बड़ी हार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में। बीजेपी ने अपना इतिहास दोहराया है, बरकरार रखा है इस सीट को अपने पास, और बीजेपी के खाते से ये सीट पर अजय निषाद एक बार फिर से चुनाव जीत गए। अजय निषाद को लगभग 63% वोट आए हैं, जबकि वहीं वीआईपी की बात करें तो उन्हें सिर्फ वहाँ पर 34% ही वोट आता दिख रहा है। तो 30% वोटों के अंतराल से वो चुनाव हार रहे हैं। तो वीआईपी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर वो चुनाव हार रहे हैं, जबकि अजय निषाद बीजेपी के उम्मीदवार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। मुजफ्फरपुर में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहाँ जहाँ बिहार में रैलियाँ हुई वह तकरीबन तमाम सीटों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में बीजेपी लगभग 100% परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। 17 की 17 सीटों पर वह जीत रही है और मुजफ्फरपुर की सीट अजय निषाद ने एक बार फिर से अपने पास रखी है। बीजेपी के पास ही 2014 की तरह इतिहास दोहराते हुए अजय निषाद के पास यह सीट है। हर एक सीट का सूरत हाल लाइव सिटीज आपको बता रहा है। तो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। साथ ही फेसबुक पर हमें फॉलो कर लें, क्योंकि सबसे तेज और विश्वसनीय अपडेट हम वहीं पर कर रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद।